आपके पास जो हेट्रोजीनियस प्रोसेस था, ठीक है, कौन सा हेट्रोजीनियस, ठीक, तो हेट्रोजीनियस में दो प्रकार की वेल्डिंग आती है, एक ब्रेजिंग, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस वेल्डिंग में या हेट्रोजीनियस प्रकार की वेल्डिंग में आपको दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला कि आपको इसको 470 डिग्री के ऊपर हीट किया जाता है कि बिलो हीट किया जाता है, इसमें फिलर मटेरियल कौन से यूज किया जाता है और फ्लक्स मटेरियल कौन से यूज किया जाता है, कौन सा फिलर और फ्लक्स। तो हम देख लेते हैं, फिलर मटेरियल मेल्टिंग टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 470 डिग्री सी। इसका जो फिलर मटेरियल मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, ग्रेटर देन 427 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये याद रखना कि कितना होता है, ग्रेटर देन 427 डिग्री सेल्सियस एंड लेस देन मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ बेस मेटल, ठीक है। बेस मेटल के गलनांक तापमान से कम तथा 470 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है। कौन कौन सा फिलर मटेरियल यूज किया जाता है, ठीक है, एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है, कॉपर एंड एजी, कॉपर एंड एल्युमिनियम, ठीक है। सबसे बात, इसके जो फिलर मेटल होता है उसको स्पेल्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि ब्रेजिंग में कौन सा फिलर मेटल यूज किया जाता है, तो नाम दिए होते हैं स्पेल्टर और कुछ अदर। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो आपके पास ब्रेजिंग में यूज किया जाने वाला फिलर मटेरियल स्पेल्टर भी होता है या स्पेल्टर भी कहते हैं। यह कैपलरी एक्शन के द्वारा वर्कपीस के गैप में इंटर करता है, ठीक है। तो आपको याद ना, कैपलरी एक्शन के कारण वर्कपीस के गैप में इंटर करता है। इसमें फ्लक्स मटेरियल जो होता है वो बोरेक्स यूज किया जाता है, ठीक है। ब्रेजिंग में फ्लक्स मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है, बोरेक्स, ठीक। उसी को मैंने लिखा, इसमें फिलर मेटल को 427 या इससे अधिक तथा बेस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट के नीचे तक हीट किया जाता है। फिलर मेटल को स्पेल्टर के नाम से भी जानते हैं। ब्रेजिंग का जो एप्लीकेशन है वो हाइड्रोलिक सर्किट को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। किसको, हाइड्रोलिक सर्किट को ज्वाइन करने के लिए ब्रेजिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सोल्जरिंग, ठीक है। तो सिंपली इसका जस्ट अपोजिट, सोल्जर मतलब सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब टेम्परेचर कम, तो फिलर मेटल मेल्टिंग टेम्परेचर लेस देन 470 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लेस देन 427 डिग्री सेल्सियस। अब फिलर मटेरियल कौन कौन सा होता है, ठीक, तो PbNSN का एलॉय, इसको ध्यान रखना है। सोल्जर फिलर मटेरियल क्या होता है, सोल्जर। ब्रेजिंग में फिलर मटेरियल क्या होता है, स्पेल्टर। ये भी आपके पास किसी कारण, कैपलरी एक्शन के द्वारा वर्कपीस के गैप में क्या होता है, एंटर करता है। फ्लक्स मटेरियल, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl एंड ZnCl2। ब्रेजिंग में क्या था, बोरेक्स। इसका आपके पास एप्लीकेशन क्या क्या है, वो आपके पास ब्रेजिंग कहाँ होता था, हाइड्रोलिक सर्किट में, ये कहाँ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ज्वाइन करने के लिए ब्रेजिंग का यूज किया जाता है। एक और है आपके पास ब्रेज वेल्डिंग, ठीक है, सेम ब्रेजिंग की तरह है, ठीक है। इसमें हल्का सा चेंज का हो जाता है कि इसका जो यूज है वो आपके पास ज्वाइनिंग ऑफ कटिंग टूल टिप, ठीक है, और इसमें जो आपके पास फिलर मटेरियल है वो आपके पास ग्रेविटी फोर्स के कारण एंटर करता है। उसमें क्या था, दोनों में, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग में, कैपलरी एक्शन के द्वारा एंटर करता था। इसमें आपके पास क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स के कारण एंटर करेगा, ठीक। सेम बाकी सेम है, फिलर मटेरियल मेल्टिंग टेम्परेचर ग्रेटर देन 470 डिग्री सीएल एंड लेस देन मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ बेस मटेरियल, बाकी जो है वो सेम है। उसके बाद आते हैं हम वेल्डिंग डिफेक्ट पे, ठीक है। तो वेल्डिंग डिफेक्ट में सबसे पहला है गैस पोरोसिटी, ठीक है। तो जब हम आपके पास लिक्विड मेटल इंटर कराते हैं वर्कपीस के गैप में, तो उसमें क्या होता है, कुछ एटमॉस्फेयर गैस भी लिक्विड मेटल के साथ चली जाती हैं, तो बबल के रूप में
उसके अंदर क्या हो जाते हैं, बबल के रूप में स्टोर हो जाती हैं। तो क्या हो जाता है, उसी को का कहते हैं, वो बबल क्या होता है कि हम लोड लगाने पर बबल फूट जाता है, या आपके पास उसी बबल को क्या कहते हैं हम, या उस जो आपके पास जहाँ पे अगर बबल बन जाएगा एयर का, तो इस इधर का हो जाएगा, मटेरियल नहीं रहेगा, तो उसे इसी बबल को क्या कहते हैं हम, गैस पोरोसिटी, गैस के कारण जो बबल बन गया उसको क्या कहते हैं गैस। तो एटमोसफेयर गैस कैन बी एब्जॉर्ब इंटू द लिक्विड, कह रहा है कि आपके पास लिक्विड मेटल क्या होता है, एटमोस गैस को एब्जर्ब कर लेता है, कब से, सॉलिड सॉलिडी ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। जब आपके पास सॉलिडिफिकेशन का मतलब होता है जब आपके पास ठंडा होना स्टार्ट होता है, उस समय एटमोसफेयर गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें आपके पास क्या होता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि आपके प्रोवाइड सफिशियंट अमाउंट ऑफ फ्लैक्स, फ्लैक्स या प्रोटेक्ट, जो आपके पास लिक्विड इनर्ट गैस या फ्लैक्स, जो लिक्विड मेटल को एटमोसफियर गैस से बचा सके, उसके लिए या तो इनर्ट गैस सप्लाई करो या फ्लैक्स का यूज कर सकते हैं। ठीक, दूसरा स्लैग इंक्लूजन। ठीक, अब स्लैग इंक्लूजन क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ हीट इनपुट। ठीक है, अगर आपके पास हीट मेल्ट या आपके पास हीट सप्लाई कम हो गई, तो इसके कारण क्या होता है, स्लैग विल बी ट्रैप्ड इनसाइड द लिक्विड। स्लैग का मतलब होता है कुछ आपके पास ठोस अवस्था में लिक्विड मेटल के अंदर आपके पास कुछ ठोस अवस्था में टुकड़े पहुंच जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं हम, स्लैग कहते हैं। ठीक है, तो वो किसी कारण, क्योंकि प्रॉपर हीट नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे, प्रॉपर मेल्ट नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण स्लैग फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास सिंपल कहा है, प्रोवाइड सफिशेंट अमाउंट ऑफ हीट। तो आपको इसमें सिंपली याद रखना है कि आपसे पूछेगा इसमें कौन सा बॉइलिंग डिफेक्ट है, तो आपको याद रखना गैस पोरोसिटी हो गई, स्लैग इंक्लूजन हो गया, तीसरा बेल्ट स्पेल्टर। बेल्ट स्पेल्टर मीन्स जैसे आपके पास काफी ऊंचाई से जो आपके पास जो मेटल आपके पास है, इलेक्ट्रोड जो मेल्ट करा के गैप में डाला जाता है, तो उसकी ऊंचाई हो तो कुछ आपके पास कुछ दूरी होती है इस प्रकार की, तो जब इस तरह ये गिरता है तो छलकता है। ठीक है, तो जब वो जम जाता है तो स्पॉट पड़ जाते हैं, इसी स्पॉट को कहते हैं बेल्ट स्पैटर। ठीक है, ड्यू टू स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग मीन छलकना। ठीक है, ड्यू टू स्प्लैशिंग ऑफ द लिक्विड मेटल, रफ सरफेस कैन बी प्रोड्यूस ऑन द बेस मेटल नोन एज स्पैटर। ठीक है, जो बेस मेटल पे आपके पास छलकने का कुछ लिक्विड पार्टिकल इधर आ जाते हैं, जब जम जाता है तो वो आपको उधर का होता है, सॉलिड बन जाता है, तो इन्हीं को क्या कहते हैं हम, स्पैटर कहते हैं। ठीक है जी, आपके पास आर्क विलो के कारण भी होती है, आर्क विलो भी क्या होता है, उसके कारण भी बेल्ट स्पैटर होता है। तो सॉल्यूशन क्या है, आर्क विलो को कम करो और ऑप्टिमम बेल्डिंग स्पीड को क्या करो, ऑप्टिमम रखो। ठीक है, एक निश्चित ऑप्टिमम बेल्डिंग स्पीड आप रखनी है। फोर्थ, लैक ऑफ फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन। ठीक है, ये सेम आपके पास लैक ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है कि आपके पास अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो पाया, पेनिट्रेशन, जब अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो पाएगा, हीट की कमी होगी तो पेनिट्रेशन भी नहीं होगा, तो ड्यू टू लैक ऑफ हीट इनपुट, आपको सिर्फ याद रखना है ड्यू टू लैक ऑफ हीट पर, हीट की कमी के कारण आपके क्या होगा, फ्यूजन भी कम होगा और पेनिट्रेशन भी कम होगा। तो इसके कारण सिंपली है कि आपके पास प्रोवाइड सफिशेंट अमाउंट ऑफ हीट इनपुट एंड ऑप्टिमम बेल्डिंग स्पीड। ठीक है, बेल्ट क्रैक, क्रैक कैसे बनते हैं, जब हम कूलिंग करते हैं आपके पास, जैसे बेल्डिंग हो गई, अब आपके कूलिंग करते समय, तो आपके पास अगर नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग हो गई, कहीं पे आपके पास ज़्यादा तेज़ी से कूलिंग हो रही, कहीं पे आपके कम तेज़ी से, नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग के चलते इंटरनल स्ट्रेस डेवलप, उसके अंदर बेल्ट ज्वाइंट के अंदर इंटरनल स्ट्रेस वो डेवलप हो जाती है, जिसके कारण आपके पास उसमें कहा जाते हैं क्रैक आ जाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इसमें क्या होता है, आपके पास जैसे मैंने बताया था, आपके पास प्रोवाइड प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग। ठीक है, जैसे हम आपके पास कभी कभी एक एनीलिंग प्रोसेस होता है जिसको स्ट्रेस रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, उसी प्रकार इसमें भी होता है कि हम इसको पहले हीट कर लें, थोड़ा थोड़ा बाद में हीट कर लें, जिससे आपके पास स्ट्रेस का हो जाती है, रिलीव हो जाती हैं, हट जाती हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन इम्बेलमेंट। हाइड्रोजन इम्बेलमेंट गैस पोरोसिटी जैसा है,
गैस पोरोसिटी में एटमॉस्फेयर गैस ट्रैप्ड हो जाती है, इसमें हाइड्रोजन गैस लिक्विड मेटल के अंदर ट्रैप हो जाती है या आके स्टोर हो जाती है। हाइड्रोजन गैस लिक्विड मेटल के इनसाइड आपके पास का हो जाती है, चली जाती है, जिसके कारण उसमें का हो जाता है, दिस डिफेक्ट आ जाता है हाइड्रोजन एम्बेटलमेंट। ठीक है, लास्ट है बेल डिके। बेल डिके में का होता है जी, आपके पास स्टेनलेस स्टील में होता है क्रोमियम के कारण। ठीक है, ड्यू टू फास्ट रेट ऑफ कूलिंग क्रोमियम इज प्रेजेंट इन द बेस मेटल विल बी कन्वर्टेड इंटू क्रोमियम कार्बाइड। ठीक है, तो जो बेल डिके होता है वो आपके पास किस में होता है, क्रोमियम में होता है। अब आते हैं आपके पास बेलबीट करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इस प्रकार का हमने माना कि आपके पास जी हमारा क्या था, आपके पास लिक्विड मेटल था, लिक्विड मेटल जम जाने के बाद उसको हम कहा था बेलबीट बन जाता है। तो उससे क्या होता है, दिस आपके पास उसके आसपास वाला जोन अफेक्टिव जोन भी होता है। तो जी आपके पास जैसे हमें आपके पास जैसे इससे बेल्ट जोन के आपके पास दूर जाते हैं तो डक्टिलिटी घटती जाती है और आपके पास स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ती जाती है। ठीक है, जो हीटेड एरिया होता है उसकी डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, जो उससे दूर जो कम हीटेड एरिया उसकी डक्टिलिटी कम होती है। तो इसमें आपको सिंपली आपको याद ये रखना है कि अगर आपके पास बेल्ट एबिलिटी का सिक्वेंस, पहली बात तो याद रखना कि माल स्टील है वो सबसे उसकी बेल्ट एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे आसानी से बेल्ट किया जा सकता है। उसके बाद कास्ट आयरन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम। ठीक है जी, सीक्वेंस आपको याद रखना किसका, बेल्ट एबिलिटी का। ठीक है, कुछ टर्म है कि उसको बढ़ाने या घटाने से बेल्ट एबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। मेल्टिंग टेम्परेचर, बेल्ट एबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ाने से बेल्ट एबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, कुछ भी आपके पास एल्व बढ़ाओगे, सब आपके इनको बढ़ाने से क्या होगा, बेल्ट एबिलिटी घटती है। परसेंटेज कार्बन बढ़ाओगे तब भी बेल्ट एबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, ऑक्साइड फॉर्मेशन, क्योंकि मेल्टिंग टेम्परेचर आप जैसे मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जितना ज़्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा आपके पास उसमें ऑक्साइड बनने के चांस होते हैं, जिससे बेल्ट एबिलिटी घट जाती है। ठीक है, अगर आपने थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ा दी तो हीट ट्रांसफर लॉस ज़्यादा होंगे तो तब भी बेल्ट एबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, अगर उसका रेखीय प्रसार गुणांक अगर आप बढ़ा दोगे तो उसमें क्या होगा, क्रैक बनने के चांस हो जाए, क्रैक बनने के चांस बढ़ जाएंगे, जिससे इसकी बेल्ट एबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ा दिया तो वो कठोर हो जाएगा, तब भी बेल्ट एबिलिटी आपके पास घट जाएगी। ठीक है, ऑक्साइड फॉर्मेशन भी अगर ज़्यादा होगा तो भी क्या होगा, बेल्ट एबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, तो जी आपको ये याद रखना है। ठीक, तो जो आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बेल्डिंग थी, जो ठीक है जो RRB ने जो सिलेबस दिया था उसके अकॉर्डिंग जो बेल्डिंग थी वो कंप्लीट होती है, लेकिन आपके पास कुछ और है, कुछ बेल्डिंग है जो हम देख लेते हैं। ठीक है, फास्टली देख लेते हैं, मेन मेन पॉइंट उसके हम याद रखेंगे, बाकी आपके पास जो RRB ने जो प्रोवाइड कराए थे उतनी हम बेल्डिंग समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आती है रजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, तो जी हम आपके पास उसने इंडिकेशन तो नहीं दिया था इसका, लेकिन हम एक बात देख लें तो रजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर पहली बात जो पूछने वाली है वो कॉपर इलेक्ट्रोड यूज होता है। अगर आपसे इलेक्ट्रोड पूछा जाए कि कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो आप कॉपर टिक करेंगे। ठीक है, कोई सी भी वेल्डिंग दे, आर्क में भी तो ज़्यादातर कॉपर का यूज होता था। अब इसमें पहली वेल्डिंग होती है स्पॉट वेल्डिंग। ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग जिस सीक्वेंस है दो मेटल, इसमें आपके पास पहला पॉइंट आर्क कहाँ जन आपके पास कहाँ आर्क इसमें सॉरी इसमें आपके पास जो किसी कारण वेल्डिंग होती है, तो जी दो वर्क पीस के कॉन्टैक्ट के कारण, तो वर्क पीस के कॉन्टैक्ट के कारण। ठीक है, आर्क वेल्डिंग में हमने पढ़ा था कि वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के कॉन्टैक्ट के कारण। ठीक है, उसमें और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के कारण बनता है, इसमें आपके पास कहाँ दो वर्क पीस के कॉन्टैक्ट के कारण। ठीक, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, इसमें कहाँ होगा आपके पास पावर सप्लाई से, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड को पावर सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, इसमें वर्क पीस को पावर सप्लाई से कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। ठीक है, आर्क वेल्डिंग में एक सिरे को वर्क पीस से और एक सिरे को इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया जाता था। ये रॉक का आर्म है जिसका यूज हम प्रेशर अप्लाई करने के लिए करते हैं,
फॉर ज्वाइनिंग ऑफ सीट मटेरियल दिस टेक्निक यूज। ठीक है, सीट्स को ज्वाइन, पतली पतली सीट्स को ज्वाइन करने के लिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग या स्पॉट वेल्डिंग का यूज किया जाता है। टू सीट्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड की मतलब टू सीट को हम क्या करते हैं, दो सीट को रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम करंट सप्लाई करते हैं। सफिशेंट हीट मिल जाने के बाद हम करंट सप्लाई ऑफ कर देते हैं, हम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा बेल्ट बन सके। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, हाई रेट ऑफ करंट विल बी सप्लाई थ्रू द इलेक्ट्रोड फॉर सफिशेंट टाइम। ठीक है, ड्यू टू कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टू वर्क पीस एंड बिटवीन द टू वर्क पीस हीट जनरेशन विल बी मैक्सिमम आफ्टर गेटिंग द सफिशेंट अमाउंट ऑफ हीट बाई स्विच ऑफ द पावर सप्लाई। पावर सप्लाई को बंद कर देते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड टू प्रोड्यूस द ज्वाइंट बिटवीन टू वर्क पीस बिलो द इलेक्ट्रोड। ठीक है, लीक प्रूफ ज्वाइंट इज नॉट पॉसिबल, देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंडेंटेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस। इधर लीक प्रूफ ज्वाइंट नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज आपके पास ये क्या होते हैं, इधर जो इसके इलेक्ट्रोड हैं वो नुकीले हैं। ठीक है, प्रेशर प्रेशर अप्लाई करने पर ये भी हो सकता है कि आपके पास इसके अंदर प्रवेश कर जाए, जिसके कारण क्या होता, इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो आपके पास क्या हो सकते हैं, लीकेज के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए लीक प्रूफ ज्वाइंट आपके पास नहीं बनाया जा सकता। उसी को मैंने आपके पास हिंदी में भी लिख दिया, सीट मटेरियल को ज्वाइन करने के लिए स्पॉट रेजिस्टिंग वेल्डिंग का यूज किया जाता है। दो सीट्स को दो कॉपर इलेक्ट्रोड के बीच रखकर इलेक्ट्रोड के द्वारा हाई करंट एक निश्चित समय के लिए सप्लाई किया जाता है। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के कारण दोनों वर्कपीस के मध्य हीट उत्पन्न होती है। पर्याप्त हीट देने के बाद पावर सप्लाई को बंद करके रॉकाराम के द्वारा प्रेशर दोनों वर्कपीस लगाया जाता है और ज्वाइंट बन जाता है। ठीक है, तो स्पॉट वेल्डिंग अब इस सेम जैसे आर्क वेल्डिंग में था, सभी की जो आपके पास जो प्रेशर अप्लाई करने की है या करंट सप्लाई ऑफ करने की सेम है, हल्का हल्का सा चेंज है। ठीक है, वही हमने कहा लिखा, इस मेथड के द्वारा लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोड के नुकीलेपन के कारण आर्क पर छिद्र भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे हम, लैप ज्वाइनिंग। ठीक है, लैप ज्वाइनिंग कहते हैं जब दो मटेरियल को, ठीक है, ओवरलैप करते हैं हम और ज्वाइंट बनाते हैं, तो उसे लैप ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, लैप ज्वाइनिंग ऑफ सीट मेटल इन ऑटोमोबाइल बॉडी एंड रेफ्रिजरेटर बॉडी। ठीक है, सीम वेल्डिंग। ठीक है, बाकी प्रोसेस सेम है, मैंने आपके पास जो हल्का हल्का लिखा। सीम वेल्डिंग का मतलब इसको जो भी बोलते हैं हम, सीम वेल्डिंग को कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग को हम कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग भी बोलते हैं। इधर आपके पास, उधर आपके पास, इसका इलेक्ट्रोड अभी भी कॉपर के हैं लेकिन इधर क्या रोलर हैं, तो टू कॉपर रोलर इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। लीक प्रूफ ज्वाइंट कैन बी पॉसिबल हेयर, क्योंकि यहाँ नुकीलापन नहीं है, तो इधर से हम क्या कर सकते हैं, लीक प्रूफ ज्वाइंट हम बना सकते हैं जो हमारी रॉकर आर्म है, जिससे हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, फैब्रिकेशन ऑफ फ्यूल टैंक, रेडिएटर बॉडी, मफलर यूनियन, एग्जॉस्ट पाइप इन ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो आपको याद रखना फ्यूल टैंक और रेडिएटर बॉडी। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशन सीम वेल्डिंग के, क्योंकि आपके पास पूछा जा सकता है रेजिस्टेंट वेल्डिंग में किसकी सहायता से लीक ट्यूब ज्वाइंट बनाया जा सकता है या किसकी सहायता से फ्यूल टैंक बनाए जाते हैं, तो आपको याद रखना सीम वेल्डिंग की सहायता से। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग में, ठीक है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या होता है, हम एक इमोसिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, मशीनिंग में एक इमोसिंग प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के जरिए हम इस प्रकार के प्रोजेक्शन हम दोनों वर्कपीस से बना लेते हैं जिसको हमें वेल्ड करना होता है। फिर दोनों को कांटेक्ट कराते हैं, कांटेक्ट कराने कर प्रेशर अप्लाई करके इसको दबा देते हैं ताकि जो एक दूसरे में डिफ्यूज होकर क्या करते हैं, ज्वाइंट बना लेते हैं। तो आपको इसमें याद रखना है, टूट सीट्स विच आर टू बी ज्वाइन प्रोड्यूस नंबर ऑफ प्रोजेक्शन ऑन द सीट्स यूजिंग इमोशन टेक्निक, लीक प्रूफ ज्वाइंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो आप जान रहे हो कि आपके पास इसमें भी हम क्या किए गए हैं, आपके पास नुकीले, आपके पास प्रोजेक्शन बनाए गए हैं जिसके कारण लीक प्रूफ ज्वाइंट हम इसमें भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है,
इसका कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं हम? बायरमेस, इस प्रकार के आपके जो बना है, जैसे आपके पास रखे हैं ना, इस प्रकार ज्वाइंट करने के लिए, जैसे जो रेफ्रिजरेटर के पीछे एक जाली टाइप लगी रहती है, उसको आपके पास बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है हम? प्रोजेक्शन वेल्डिंग का, या ज्वाइनिंग ऑफ थ्रेड स्क्रू एंड नट टू द सीट। ठीक है, इस प्रकार का ज्वाइंट करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? प्रोजेक्शन वेल्डिंग। लास्ट इसमें फ्लैश बट वेल्डिंग। फ्लैश बट वेल्डिंग मीन्स बट ज्वाइंट बनाने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, बट ज्वाइंट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर ज्वाइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टू एंड टू प्रोड्यूस अ बट ज्वाइंट यूजिंग कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस। ठीक, टू वर्क पीस विच आर टू बी वेल्डेड विल बी प्रोवाइडेड बिटवीन टू कॉपर इलेक्ट्रोड होल्डर। ठीक है, दोनों वर्क पीस को कॉपर इलेक्ट्रोड होल्डर में फिट किया जाता है बाई मेकिंग टू क्लोज कॉन्टेक्ट। क्लोज कॉन्टेक्ट बनाने के बाद इनिशियली ड्यू टू हाई रेट ऑफ करेंट फ्लैश विल बी प्रोड्यूस। ठीक है, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ एटमोसफेयर एयर बिटवीन द टू वर्क पीस हीट विल बी जनरेट। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस के कारण हीट जनरेट होती है एट द टू एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर गेटिंग सफिशियंट अमाउंट ऑफ हीट। सेम जो आप इनिशियल मैंने बताया था कि आपके पास हम कॉन्टेक्ट एयर रेजिस्टेंस के कारण हीट जनरेट होगी, सफिशियंट हीट देने के बाद हम पावर सप्लाई बंद कर देंगे, पावर सप्लाई के बाद क्या करेंगे, हम प्रेशर अप्लाई कर देंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे। तो अगर ठंडा हो जाने के बाद हम क्या कर देंगे, प्रेशर रिलीज कर देंगे। वही चीज़ हमने मैंने कहा लिखा हिंदी में लिखा है, जब दो वर्क पीस को एंड टू एंड जोड़ना होता है तो इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। जिन दो वर्क पीस को ज्वाइन करना है उन उनको कॉपर इलेक्ट्रोड होल्डर में होल्ड कराया जाता है, फिर दोनों वर्क पीस को पास में लाकर हाई करंट सप्लाई किया जाता है। बायमंडली या रेजिस्टेंस के कारण दोनों वर्क पीस के मध्य हीट उत्पन्न होती है। पर्याप्त हीट देने के बाद पावर सप्लाई बंद करके एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है। एप्लीकेशन माल स्टील, लो कार्बन स्टील, एलॉयड स्टील एक्सेट्रा, इनका आपके पास यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ फार्मूले हैं ये मैंने बताया बता कि आपके पास हीट मेल्टिंग के लिए, मतलब मेल्टिंग के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, एच एम एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल, हीट सप्लाइड आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, हीट सप्लाई का फार्मूला आई स्क्वायर आर टी, मेल्टिंग इफिशेंटी हीट मेल्टिंग अपॉन हीट सप्लाइड। ठीक है, दिस डाया है सेक्रोस टू एच टू टी माइनस डेल्टा बी पाई बाई फोर डी स्क्वायर एच। ये आपको हल्का से याद रखना, अगर हो जाए ना भी याद हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। कुछ बातें हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम थोड़ा इसकी बेल एबिलिटी कम होती है। ठीक है, इसको ज्वाइन करने में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है, तो इसके लिए आपके पास फ्रैक्शन वेल्डिंग और टिक वेल्डिंग इज गुड। ठीक है, ठीक है, इसके लिए टिक वेल्डिंग और फ्रैक्शन वेल्डिंग बेटर हैं ज्वाइन करने के लिए। एल्युमिनियम विद एसी पावर सप्लाई एंड हाई फ्रिक्वेंसी के साथ यूज किया जाता है। एल्युमिनियम एसी पावर सप्लाई के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, टिक वेल्डिंग में वो भी कौन सी सप्लाई, एसी सप्लाई। कास्ट आयरन को गैस वेल्डिंग की सहायता से विद प्रीहीटिंग। ठीक है, कास्ट आयरन विद प्रीहीटिंग। ठीक है, तो आपके पास प्रीहीटिंग के साथ गैस वेल्डिंग की सहायता से कास्ट आयरन को ज्वाइन किया जाता है। स्टेनलेस स्टील के लिए बेस्ट मेथड टिग और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है। ठीक है, टिग और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है। ठीक, प्रेशर गैस वेल्डिंग एंड टू एंड ऑब्जेक्ट ज्वाइन करने के लिए प्रेशर गैस वेल्डिंग।